इस फिल्म का एक टैगलाइन है, लव कैन ट्रेवल एनी डिस्टेंस। ये लाइन आपके दोनों के रियल लाइफ से कितना इत्तेफाक रखता है? अब बोलो। इसका जवाब पहले परिणीति देगी। हाँ। क्योंकि मैं कह रहा हूं। शिट, जो डायरेक्ट मैं तो आई थिंक कोई भी जो मुझे जानता है वो जानता होगा, आई कैन गो एनी डिस्टेंस फॉर लव। मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वाली और प्यार करने वाली और बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान हूँ, सो आई कैन गो एनी डिस्टेंस फॉर लव। मेरे अलावा ये सबको प्यार दिखाती है वैसे। साइलेंस ड्यूरिंग माई आंसर। सी ही सेइंग यस, ही सेइंग या। सो आई कैन गो एनी डिस्टेंस बिकॉज आई फील कि, और ट्रेलर में अर्जुन ये लाइन बोलता भी है कि आई थिंक पूरी दुनिया बोलो अब बोलो, ये हाथ दिखा रही थी। सॉरी सॉरी, क्या थी लाइन? बोलो यार, एक मिनट बोलो। दुनिया आज भी एक ही चीज पर कायम है जिसकी वजह से दुनिया कायम है, प्यार। करेक्ट। और ये लाइन से मैं बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती हूँ कि अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर ले, हम लोग सब करियर माइंडेड इंडिपेंडेंट ये सब हो गए हैं, बट वी ऑल वॉन्ट टू कम बैक होम टू समबडी हु इज़ आज, या तो वो हमारी फैमिली है या वो हमारा हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, जो भी है। अल्टीमेटली हम लोग चाहे जितना मर्जी ट्रैवल कर ले, कुछ भी कर ले, हमें घर में प्यार चाहिए। तो आई रियली फील कि अगर प्यार के लिए आई डोंट गो द डिस्टेंस देन माई लाइफ हैज़ नो पर्पस। अर्जुन सर बोलो। सर यही सवाल सेम। देखिए, लव जिस तरह की हमने नमस्ते इंग्लैंड में दर्शाई है, वो तो मैंने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया, बिकॉज आई हैव मेड अ वेरी फर्म चॉइस टू फोकस ऑन माय करियर, बिकॉज ऑफ विच आई एम श्योर आई हैव लॉस्ट आउट ऑन सर्टेन पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग सीरियस रिलेशनशिप्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, जहाँ पे ये एक जुनून होता है प्यार को लेके, जहाँ पे आप हदें पार करते हो। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मुझे मेरी फाउंडेशन जो नींव होती है वो जमानी थी, तो मैंने कुछ सैक्रिफाइसेस किए थे अपनी ज़िंदगी में अपने काम के प्रति, तो मैंने हदें पार किसी और पहलू में की थी उस वक्त। बट नाउ टुडे, आज 33 की उम्र में जब मैं एक फाउंडेशन प्राप्त कर पाया हूँ, जब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, जब मैं सोचता हूँ, तो मैं सहमति रखता हूँ ये थॉट से दैट इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं हदें पार करनी पड़ती है अगर आप अपने चाहने वालों को, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके बिना आप रह नहीं सकते, और नॉट ओनली योर पार्टनर, आप फैमिली ले लीजिए। मैंने कहीं ना कहीं मेरे फैमिली के साथ बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं कई सालों में, तो आई फील टू होल्ड ऑन टू देम, टू बी एबल टू कनेक्ट विद देम, टू बी एबल टू, यू हैव टू गो द डिस्टेंस। ये पूरे 6 साल के बाद, इशक जादे के बाद आप दोनों साथ आ रहे हैं, तो क्या काफ़ी कुछ बदलाव आया आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में? एक्चुअली यार, वी बीन इन टच ऑल अलॉन्ग, सो इन अ स्ट्रेंज वे सब कुछ बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला। हमारे आसपास दुनिया बदल गई, लोगों का नजरिया बदल गया। इशक जादे के दौरान लोग हमको ही टैप करके पूछते थे, भैया किसकी शूटिंग हो रही है, और अब जब हम शूटिंग करते थे तो अच्छा लगता था, लोग हमसे आके मिलते थे, फोटो खिंचवा रहे थे, एंड आई थिंक इट वॉज सरियल टू फील दैट फियर। मुझे डर भी था जब पहले दिन शूटिंग कर रहे थे, कि यार जो आपने कहा कि यार क्या वही सादगी होगी रिलेशनशिप में, वही एक कम्फर्ट होगा कि मैं बोल सकता हूँ यार परिणीति तू ऐसा कर ले, मैं वैसा कर लेता, बिकॉज वो आसान नहीं होता टू मेंटेन फॉर 6 ईयर्स, यू नो दैट प्योरिटी ऑफ योर फर्स्ट फिल्म। बट टू माई सरप्राइज एंड आई गेस आई एम ग्लैड एंड इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील इसीलिए वो एक कम्फर्ट आप लोगों को पसंद भी आया था पहली पिक्चर में। सब कुछ बदलने के बावजूद वी वर स्टिल एबल टू, आई थिंक दूसरे या तीसरे दिन से हम वी वर बैक टू बींग लाइक इशक जादे। तो बीच के 6 साल कहीं ना कहीं डिलीट हो गए हमारे इमोशन से, वो सौभाग्यशाली है कि उसे काम करने का मौका मिला मेरे साथ। मुझे पता था ये बोल, वो प्रार्थना कर रही थी 6 साल, जब वो इंतजार कर रही थी, तो फाइनली जब उसकी ख्वाहिश पूरी हुई तो वो तो खुशी होगी ना। मुझे एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है एक्चुअली जब मैं इसके साथ कुछ भी काम करती हूँ, या आजकल अब मैं प्रमोशंस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको उस दिन से देखा है जब ही वॉज अ नोबडी, लिटरली वो सेट पे बैठ के वेट कर रहा था कि मेरा पहला शॉट कब आएगा, क्योंकि उस टाइम मैं शूट कर रही थी और ये वेट कर रहा था पूरी रात। एंड उस पहले शॉट से, जब इसने एक बाइक पे चला के एक पहला शॉट दिया था शहजादे, उस टाइम से लेके आज जब मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ इसके पीछे पागल हो रही हैं और लोग इसके फैंस हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ किया, यू नो, आई फील सो प्राउड ऑफ हिम एज अ फ्रेंड, आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिम। तो मुझे बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है कि ये कहाँ से कहाँ आ गया 6 साल में। एंड जैसे इसने कहा कि नथिंग चेंज्ड, एंड वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी था कि स्पेशली एक लव स्टोरी शूट करते हुए वो कम्फर्ट होना चाहिए, आई शुड बी एबल टू से व्हाटएवर आई वॉन्ट। आई थिंक
there's nobody who understands me better than Arjun. And हम दोनों का relationship ऐसा ही है. हम लोग ये सब fighting ये सब करते हैं, but we really care for each other. And हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत protective हैं. तो वो कभी नहीं change हुआ. And वो बहुत आसानी से stardom में change हो जाता है. और मैंने खुद देखा है. और मैंने सबके साथ काम किया almost. So वो इसमें नहीं change हुआ. And that's beautiful.